तो हेलो एंड हाय, कैसे हो मेरे भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग को पता ही चल चुका होगा जो थंबनेल में लिखे हुए हैं, जो हम लेग फिक्स एंड रेंडर फिक्स करने वाले हैं स्पेशली लो एंड डिवाइसेस के लिए। तो हम एक ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, पहले ही जो वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ उसमें जो सेटिंग्स बताया गया है वो सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस के लिए होता है, क्योंकि हर किसी का बस नहीं होता SD SDR पे खेलने के लिए गाइस। तो ठीक है, इस वीडियो में जो भी हम सेटिंग्स दिखाएंगे आपको एक मतलब डिट्टो कॉपी करना है गाइस, क्योंकि हम जो सेटिंग्स बताएंगे सबसे मिनिमलिस्टिक होगा, इससे नीचे हम लोग कुछ भी लो एंड सेटिंग्स नहीं कर पाएंगे एमुलेटर के लिए। तो ठीक है एंड गाइस, और एक बार हम बताना चाहते हैं, हम लोग करने वाले हैं 20 रॉयल पास का गिव अवे। जब भी हो जाएगा ये अपना 14 सीजन आ जाएगा और हम लोग ऑन स्ट्रीम उसका गिव अवे कर देंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ कमेंट करना है गाइस। तो होपफुली आप ही विजेता बने। तो गाइस हम लोग गेम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेंगे कुछ अपडेट है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत ही मेहनती होता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अभी जो ग्लिचेस चल रहा है पता नहीं, पबजी वर्ल्ड को तो पता ही है वो लोग पैच निकाल सकते हैं। इनमें के सभी तो अभी कुछ अपडेट आया नहीं है, तो आप जब ये वीडियो देखेंगे शायद तब तक कुछ अपडेट आ जाए। तो एक बार जो अपडेट चेकआउट होता है वो करना बहुत ही जरूरी होता है मेरे भाई। तो ये पे पता नहीं थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो हो चुका है, हमने चेक किया, कुछ भी ये है नहीं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, देखो ये जो सेटिंग्स है बेसिक में तो कुछ होता नहीं। इंजन में देखो गाइस, इंजन में अभी आप देख सकते हो, डायरेक्ट एक्स में खेलता हूँ मैं, अल्टीमेट एंटी अलाइजिंग में पूरा हाई एंड सेटिंग्स खेलता हूँ एंड गेम सेटिंग्स में जाकर देख सकते हो कि SDSM में खेलता हूँ। तो अभी जो हम बताएंगे, पहले तो बताएंगे रेंडर फिक्स वाला। रेंडर जो फिक्स वाला होता है आपको सिर्फ OpenGL अगर क्लिक कर दोगे, OpenGL Plus अगर आप क्लिक कर देंगे तब आपका हो जाएगा फिक्स, जो रेंडर वाला ग्लिच था वो हो जाएगा फिक्स। हालांकि डायरेक्ट एक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, पता नहीं अपडेट कुछ लोचा लग के रखे, तो OpenGL Plus इस टाइम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको OpenGL Plus सिलेक्ट करना है, बाकी आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप कुछ भी रख सकते हो, आपके लिए कुछ भी सेटिंग्स मैटर नहीं करता गाइस। अगर आप लो एंड डिवाइस है उसको अभी ये स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। एंड जो भी बंदे बोलते हैं कि विंडोज में जाओ वो करो, ये करो, पेस फाइल करो, मेमोरी सेटिंग्स ये करो, विंडोज़ का ये कमा दो, वो सब बुलशिट है, कुछ भी नहीं होता गाइस। क्योंकि ये पबजी मोबाइल एक मोबाइल वाला गेम है, पीसी में खन जैसे हार्डवेयर पर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि एमुलेटर है, ठीक है, एमुलेटर की वजह से नहीं चल। चलो ये तो बात की बात है, हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, OpenGL पे आ गया, एंटी अलाइजिंग को ऑफ करना है क्योंकि लो एंड जाना है जितना हो सके, मेमोरी को ओतो रखो क्योंकि अब अगर फिक्स करोगे, अगर मेरे पास 16 GB है तो 8 GB आ रहा है आपके पास, 4 GB होगा तो 2 GB होगा दिखाएगा। अगर पूरे के पूरे मेमोरी दे रहे हो आपका विंडोज़ जो है ना, विंडोज़ को इतना मेमोरी नहीं मिल पाएगा, तो एमुलेटर विंडोज़ के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, जो आपका गेम सिस्टम पूरा सिस्टम ही एकदम लैग करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा सिस्टम लैग हो जाए, तो उसको ओतो रखिए, प्रोसेसर भी ओतो रखिए। रेजुलेशन देखिए, रेजुलेशन हालांकि होना चाहिए आपका, जो रेजुलेशन मॉनिटर का रेजुलेशन होना चाहिए वही रखना चाहिए, वो विजुअल के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास लैग कर रहे हैं, आप लोग एज लो एज जा सकते हो, ये 576 तक जा सकते हो, बहुत ही उससे नीचे जाएगा तो बहुत ही गंदा दिखेगा, तो खेलने नहीं है आपको, पीसी का हार्डवेयर अपग्रेड करना है अगर आपको इससे भी नीचे जाना पड़ेगा तो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा 720 भी ले लो, नहीं तो उससे भी लग रहा है तो ये वाला 576 तक भी जा सकते हो गाइस। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 576। और ये आता है DPI, बहुत लोग बोलते हैं DPI कुछ नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं है, वो लोग वीडियो बना देते हैं उनको पता नहीं होता DPI क्या होता है। DPI ये माउस का DPI नहीं होता मेरे भाई, ये होते हैं पिक्सल वाला, जो आपका एमुलेटर का पिक्सल्स होता है ना, जैसे DPI आप जैसे मोबाइल खरीदने में बोल सकते हो इसका इतना DPI होता है, उसका इतना DPI होता है, वो क्या होता है, वो जो पैनल होता है पैनल का पिक्सल्स की काउंटिंग है। तो आप जितना लो पिक्सल्स रखेंगे उतना कम प्रोसेस खाएगा। तो इन माई केस अब 160 लो, मेरा 160 दिखा रहा है, आप भी 160 रख सकते हो, लेकिन और भी नीचे जा सकते हैं। कैसे गाइस, देखो आपको तो पहले गेम में आना है, ठीक है। गेम में आने के बाद हम लोग SD पे जाएंगे एंड ये जो सेटिंग है डिस्प्ले क्वालिटी हम स्मूथ कर देंगे, एक बार सेव कर देंगे। ओके, फिर से हम जाएंगे उधर इंजन में जाएंगे, अब देखते कुछ नीचे आएगा कि नहीं। देखिए, एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं 120 का ऑप्शन, तो हम लोग 120 तक जा सकते हैं, जो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देगा आपको, लेकिन जो विजुअल क्वालिटी है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग विजुअल्स की बात नहीं करेंगे। तो 120 पे हम लोग गए, जाने के बाद हम लोग कर देंगे सेव, ठीक है।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गेम को गाइस, देखते हैं गेम स्टार्ट करने के बाद ग्लिचेस वगैरह या क्या कुछ हमको फेस करना पड़ता है, हम देखते हैं गाइस, लेट्स गो गाइस। तो गाइस एज यू कैन सी हम लोग आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा क्वालिटी नहीं आ सकता पहले, ठीक है? क्या हो सकता है मैं दिखाता हूँ आपका कैसा आ सकता है। मेरा वो सेटिंग्स ऑफ था, ग्राफिक्स में जाते हैं, अगर बाई मिस्टेक आपका एंटी एलियासिंग एनेबल रहेगा तो आपका कुछ ऐसा दिख सकता है मेरा भाई, ठीक है? अब डरिएगा मत, क्योंकि ये जो ओपन जीएल खेल रहे हैं हम बहुत ही उसको कम रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो उसके लिए ये जो रेंडर है अच्छे से नहीं हो पा रहे, तो एंटी एलियासिंग का जो ऑप्शन है आपको ऑफ रखना है, नहीं तो ऐसे भड्डू जैसा दिखेगा गाइस, ठीक है? और नया ग्लिच नहीं है, पुराना ग्लिच, ग्लिचेस नहीं है एक्चुअली, है ही ऐसा। तो ग्राफिक्स हम आएंगे फिर से एंटी एलियासिंग, इसको क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग स्मूथ खेल रहे हैं, एक्सट्रीम खेल रहे हैं, एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा एफपीएस, तो ये आपके मुताबिक है, स्मूथ लगाना है, ये लोगे जितना कम लोगे एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, एटलीस्ट अल्ट्रा तक जाओ, उसके नीचे खेलने के लिए अगर आपको चाहिए होगा खेलने के लिए इतना सेटिंग्स करने के बाद आपको अगर हाई या मीडियम तक लेके जाना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब एम्युलेटर छोड़ दीजिए, एम्युलेटर पे नहीं होगा, आपका ग्राफिक्स इतना लो है कि इट्स अ बिटर ट्रूथ गाइस, ठीक है? क्योंकि हार्डवेयर बनाए इसलिए जाते हैं, अगर 710 पे ही अगर सब कुछ चल जाता तो आरटीएक्स बनाने की जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है? तो ये सब हम कर लिए, करने के बाद अभी देखो हम लोग जाएंगे एक टीडीए मारने के लिए। ओके, एज यू कैन सी गाइस अभी जो रेंडर वाला सीन है ना, मुझे नहीं लग रहा कि होगा, अभी भी वही इशू है, नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा है? तो गाइस ये लोग भी ऑल पे बात कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं आ रहा है और हम उसी का वीडियो बना रहे हैं, लॉल व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड गाइस आप देख सकते हो, देखो कलर का जो ये है कुछ अलग ही दिख रहा है, कुछ ग्लिच व्लिच नहीं आ रहा है आपको, दिख रहा है कुछ लैग वगैरह कुछ हो रहा है? टीम मैच, कुछ भी लैग कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर एफपीएस देखिए 59 वगैरह पूरा बहुत ही ओपी एफपीएस आ रहा है, हालांकि मैं M4 नहीं चलाता, आप देखते हैं एक दूसरे को मार के देखते हैं, मैं बैरल चलाता हूं। द ब्लू टीम हैज स्कोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके गाइस देखो नो लैग, नॉट अ सिंगल लैग। ए भाई एमएसएस से बहुत ही गंदा, मुझे एमएसएस ऑफ करना पड़ेगा, मैं गया। एनीवे गाइस, तो एज यू कैन सी गाइस जो प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट होनी चाहिए, होनी नहीं, हो जाएगा 100% हो जाएगा, अभी जो लैग का इशू वो भी देखिए पूरा 59 FPS जो मैप के ऊपर दिख रहा है ना आपको, देखो पूरा कंस्टेंट दिख रहा है, उधर देख सकते हो आप, कुछ भी रेंडर वगैरह कुछ भी नहीं है गाइस। तो हम थोड़ा एग्जिट करते हैं, नहीं तो बहुत ही गंदा सन आएगा। तो गाइस मुझे लगता है जो ये प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हो चुका है, एंड कुछ दिन आप लोग ओपन जीएल प्लस में खेल लीजिए, एंड जो नया अपडेट लाता है हमेशा बग वगैरह रहता है, ये तो सजेस्ट करूंगा हमेशा अपडेट आने से पहले ही आप लोग जब भी कुछ अपडेट आता है आप लोग गेम लूप को एटलीस्ट अपडेट ना करो, अपडेट गेम लूप का होने से ये होता है, पबजी मोबाइल का कुछ भी नहीं है, पबजी मोबाइल गेम का ये ग्लिचेस नहीं है, ये एमुलेटर का ग्लिच है मेरे भाई, अगर ऐसा होता तो मोबाइल प्लेयर को भी ये सब ग्लिचेस होते, लेकिन ये होता है सिर्फ एमुलेटर के साथ, क्योंकि एमुलेटर जो अपडेट आया है उसमें ये है बग एंड ग्लिचेस गाइस। एनीवे गाइस मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप सभी का अगेन जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, एंड थैंक यू सो मच गाइस जिसका भी ये वीडियो देख के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, लैग एंड जो ग्लिचेस का प्रॉब्लम है वो अगर फिक्स हो चुका है तो प्लीज़ यार मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस गाइस जिसका कर्सर का प्रॉब्लम आ रहा है उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप पूरा अच्छे से उसको अनइंस्टॉल कीजिए, कैसे प्रॉपरली अनइंस्टॉल करना है एंड कैसे पूरा नीट एंड क्लीन इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं उसको दे दूंगा गाइज। तो मिल रहे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं कैसे फुट स्टेप बढ़ाया जा सके, क्योंकि बहुत हम लोग के पास बहुत जनों के पास अपने तो हेडफोन नहीं होता, अच्छा वाला हेडफोन नहीं होता है और अच्छे से हमको क्लियरिटी साउंड नहीं होता है, फुट स्टेप नहीं आता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, होपफुली कल परसों तक मैं वो वीडियो लेके आऊँ, एंड होपफुली बहुत यूजफुल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आपको कुछ पैसा वैसा कुछ खर्चा नहीं करना है, 2 मिनट में सब कुछ प्रो जैसा आपको ये साउंड सिस्टम आ जाएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।